साथियों, देव हनी फार्म के YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको अपने दो शहद के बारे की और जानकारी देंगे। इस जो देव हनी फार्म का जो है, एक तरह से हमारा मोटिव, हमारा उद्देश्य ये है कि इंडिया के अंदर कितने प्रकार के शहद हैं, कितनी वैरायटी कलेक्ट होती है इंडिया से। हमारा मेन मकसद यही है, यही हमारा बताना है। तो हम आपको आज अपने एक अकेशिया हनी और एक रोज़वुड हनी, सिसम या टल्ली जिसको बोल देते हैं, अकेशिया किक्कर होगी, जो पहाड़ी किक्कर होगी, हर एक जगह किक्कर की कई वैरायटियां हैं, कई बहुत वैरायटियां हैं, जो किक्कर बबूल के पेड़ का कह देते हैं हम जिसको, ठीक है ना। उसमें से कौन कौन सा शहर निकलता है, कैसे शहर निकलता है, वो मैं आपको आज ये बताना चाहूँगा। अब मैं अकेशिया शहद की बात करता हूँ, ये थोड़ा लाइट कलर पर होता है ये शहद। ये आप अगर इस गूगल पे सर्च मारोगे, हर देश में है, हर देश में अलग अलग किक्करे हैं, अलग अलग पहाड़ी किक्कर है, कोई अलग टाइप से किक्कर है, किसी का लंबा फूल है, किसी का छोटा फूल है, किसी का गुच्छे में फूल है, किसी का वाइट है, किसी का बैंगनी कलर पे है। तो उनसे जो शहद कलेक्ट होता है उसको अकेशिया हनी कहा जाता है। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा शहद है, बच्चे से बहुत अच्छे चाव से भी खाते हैं, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, इसको बुजुर्ग भी खा सकते हैं। बट लेकिन बुजुर्गों के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में अपने बताया था कि अजवाइन से है, अजवाइन का हनी, नीम का हनी और जामुन का हनी वो खा सकते हैं। वो ये मैं प्रेफर करता हूँ कि जैसे न्यू बॉर्न बेबी है उसको भी आप दे सकते हो हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा सा उसको अपनी जीभ पे चटा दिया, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है वो खा सकता है इसको। इसको आप अपने उसमें दूध में, लस्सी में, ठीक है नहीं, जैसा मौसम है। अब जैसे आप सर्दियों का मौसम है तो आप इसको गर्म दूध में एक चम्मच शुगर की जगह, चीनी की जगह डाल के ये खा सकते हो। जैसे गर्मियाँ चलती हैं, लस्सी में आप शिकंजवी में डाल को वैसे इसको पी सकते हो। शहद जो है अपनी तासीर वैसी बना लेता है जैसी आप चाहते हैं। अगर आपको चाहते हैं कि आप वो ठंडी, आपको ठंडी तासीर दे, तो आप उसे ठंडे पानी में, ठंडे दूध में, ठंडे उसमें लस्सी में, मिल्क शेक में, जूस में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। अब आ गया आपका रोज़वुड, ये है सिसम टल्ली का। इसमें आप अगर आप इसको टेस्ट करोगे, इसकी सबसे बड़ी पहचान रोज़वुड हनी की ये है। जैसे ही आप इसको टेस्ट करोगे, इसमें से आपको ऐसा आएगा जैसे आप गुलाबकंद खा रहे हो, गुलाब की खुशबू, गुलाब का टेस्ट आएगा इसमें से। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है। ये ज़्यादातर राजस्थान से प्योर जो रोज़वुड प्योर शहद है, बिल्कुल आपको यानी कि सिसम का जो शहद है वो राजस्थान, क्योंकि उस साइड में और आपका थोड़ा हरियाणा भी चला गया, हरियाणा पंजाब भी टच हो गया, इसमें तीन स्टेट टच होती हैं, वहाँ से सिसम का शहद प्योर मिल जाता है। तो वो आप टेस्ट करोगे, आप कभी देवहनी फार्म से आप कभी भी लो, हर एक इसका केशिया का, रोज़वुड का, जामुन का, अजवाइन का, तुलसी का, हर एक का टेस्ट अलग अलग है। तो इसमें आपको गुलाब की जैसी वो आएगी। इसको जैसे हम लोग, कईयों को गोलाकंद खाने की आदत होती है, हमने वैसे शहद में गुलाकंद भी बनाया हुआ है, वो भी आप ले सकते हो। बट अगर आप सिर्फ शहद ही लेना है और उसमें गुलाब की आपको टेस्ट आए, तो आप ये खाना खाने के बाद ये ले सकते हो, आप गिफ्ट भी कर सकते हो। जैसा अब मेरे पास कई हमारे कस्टमर हैं, कई भाई बहन हैं कि जो टेस्ट सभी करते हैं, उनमें से कईयों को कश्मीर आ जाए, कईयों को लीची का शहद आ जाता है टेस्ट में, कईयों कई अलग अलग की अलग अलग टेस्ट महसूस होता है, तो वो खाते हैं उसको, तो वही वो खाने लग जाते हैं। बच्चों के लिए भी यही है, मैं बच्चों के लिए वैसे तो प्रेफर करता हूँ अकेशिया और आपका कश्मीर का, ठीक है, लीची का शहद, ये अच्छा, बहुत ही अच्छे नहीं के टेस्ट में, बहुत अच्छे नहीं के। जो बच्चे शहद नहीं खाते, जिनकी खास ही होती है कि नहीं शहद है, वो मेरा तो बेटा खाता नहीं, हमारे तो बच्चे नहीं खाते, अपन को टेस्ट तो कराओ एक बार, वो आपको अपने आप ही खाने लग जाएंगे। वो मेरा खुद का लड़का नहीं खाता था, वो उसको मैंने कश्मीर का टेस्ट कराया तो वो खाने लग गया वो। तो ये चीज़ है। तो इसके लिए आपको आज हम सिर्फ ये अकेशिया और रोज़वुड का बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अपने और जो हैं दो तीन प्रोडक्ट हैं, दो तीन जो शहद हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। जय श्री राम, जय वंदे भारत।